Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Primer Skills. आज जो हमारा लेक्चर शुरू होने वाला है ये यूनिट 1 का पार्ट 4 है. इससे पहले हम तीन पार्ट्स में अपनी यूनिट का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. सो इस पार्ट 4 में हम अपना बचा हुआ पोर्शन डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक पार्ट 5 और आएगा. सो लेट्स मूव अहेड. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पार्ट 3 में अपना क्या स्टडी किया था. हमने फ्लो एंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी किया था कि कौन कौन से आपके चैनल्स हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चैनल, वर्टिकल चैनल एंड द डायलॉग एंड द डायगोनल चैनल. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द विजुअल एड्स इन कम्युनिकेशन कि विजुअल एड्स किस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन से विजुअल एड आप अपने जो प्रेजेंटेशन है या फिर जो भी आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल है आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे बच्चों वो डिस्कशन हमारा होगा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट आर द बैरियर. A barrier is defined as something that prevents or control progress or movement or something that comes in the way of desired outcome. आपके communication का हमेशा एक desired purpose होता है, एक desired outcome होता है. अगर आपकी desired purpose या desired outcome के रास्ते में कोई चीज आती है या something which prevents or control the progress of movement, that is called the barrier. ऐसी कोई भी चीज जो आपके रुकावट बनती है आपके कम्युनिकेशन में वो आपका बैरियर कहलाता है. सो कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव ओनली इफ इट क्रिएट्स अ डिजायर्ड इंपैक्ट ऑन द रिसीवर. हमेशा याद रखिएगा जब तक आपके रिसीवर पे आपका डिजायर्ड इंपैक्ट नहीं पड़ता है इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है. कम्युनिकेशन बैरियर्स अराइज ड्यू टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड मे कन्फ्यूज द लिसनर और रीडर, create misunderstanding and confusion, and may sometimes lead to communication breakdown. जब आपका communication में barriers होते हैं तो आपका चाहे वो listener हो, आपने अगर oral communication किया है तो second end पे आपका जो receiver होगा वो listener होगा. अगर आपने written communication किया है तो second end पे जो आपका receiver होगा वो आपका reader होगा. अगर आपके communication में कोई भी barrier आ रहा है तो उस situation में क्या होगा कि आपकी misunderstanding create हो जाएगी, confusion create हो जाएगी और communication breakdown हो जाएगा. communication breakdown का मतलब क्या होता है, आप अपने purpose को achieve नहीं कर पा रहे हैं, जो आप receiver को देना चाहते हैं वो आप नहीं दे पा रहे हैं. ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके barriers in communication. Barriers to communication imply hurdles or obstacles on the way to transmission of message from sender to receiver. Very clear कि sender से receiver तक जो जाने वाला message है अगर उसके रास्ते में कोई भी hurdle या कोई भी obstacle आता है तो वो आपका barrier to communication कहलाता है. A barrier acts like a sieve. Sieve बोलते हैं छलनी को. ठीक है, तो एक barrier जो होता है वो basically एक sieve की तरह काम करता है and allowing only a part of the message to filter through. As a result, the desired response is not achieved. यानी barrier जो होता है वो एक छलनी की तरह, एक sieve की तरह काम करता है, जिसके through जो आपके message का केवल कुछ part ही जो है, वो receiver तक पहुंच पाता है. और जब कुछ part ही पहुंचेगा, तो उससे क्या होगा? एक confusion और एक misunderstanding create होगी, और आपका desired response आपको नहीं मिल पाएगा. तो barriers in communication में जो सबसे important चीज़ है, वो है noise. यानी सबसे बड़ा barrier जो हमारा होता है, वो क्या होता है? That is noise. Noise is defined as any unplanned interference in the communication environment which affects the transmission of the message. आपके communication का environment, communication environment क्या होता है? Environment आपका classroom भी हो सकता है, communication environment आपका घर भी हो सकता है, communication environment आपका organizational meeting भी हो सकती है. तो जिस भी environment में आप communicate कर रहे हैं वो आपका communication environment कहलाता है. अब उस communication environment में अगर कोई भी unplanned interference आता है तो वो आपका noise कहलाता है. ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, वो आपकी transmission of message को पूरी तरीके से affect करता है. तो अगर मान लीजिए आप एक क्लासरूम में हैं और क्लासरूम में आप जो जब हम एक टीचर जो है वो क्लासरूम में अगर बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे वहां पे शोर मचा रहे हैं तो वो एक तरह का नॉइज है. ये तो लिटरल मीनिंग हो गया नॉइज का. इसके अलावा अगर मान लीजिए आप एक बुक पढ़ रहे हैं, आप एक लाइक आपका कम्युनिकेशन एनवायरमेंट जो है वो आपका होम है, आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो वहां पे ऑथर ने जो बुक है, जो बुक के जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बहुत छोटा है. अब उस फॉन्ट साइज बहुत छोटे होने की वजह से आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट साइज का छोटा होना ये भी एक तरह की नॉइज होता है. तो नॉइज इज एनी अनप्लान्ड इंटरफेरेंस. नॉइज का मतलब यहाँ पे केवल आवाज से नहीं है, नॉइज का मतलब है यहाँ पे अनप्लान्ड इंटरफेरेंस से. वो अनप्लान्ड इंटरफेरेंस किसी भी तरह का हो सकता है. ठीक है, तो सेंट मैसेज और रिसीव्ड मैसेज के बीच में जो भी अनप्लान्ड इंटरफेरेंस आता है वो आपका नॉइज कहलाता है.
नॉइज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नॉइज दो तरह की हो सकती है, वन इज चैनल नॉइज एंड सेकेंड इज सिमेंटिक नॉइज। चैनल नॉइज क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एनी इंटरफेरेंस इन द मैकेनिक्स ऑफ द मीडियम यूज टू सेंड द मैसेज, यानी मैकेनिक्स ऑफ द मीडियम का मतलब क्या है, जिस मीडियम में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर जिस एनवायरमेंट में अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस एनवायरमेंट में खुद से अगर कोई इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाए तो वो आपका एक चैनल नॉइज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस रूम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर अपना सेमिनार दे रहे हैं या अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहां पे अगर जो फैन लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा तेज आवाज कर रहा है, तो आपके कम्युनिकेशन में एक इंटरफेरेंस आ जाएगा, एक ऑब्स्टिकल आ जाएगा। लेकिन उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उसमें रूम की गलती, उसमें बेसिकली रूम को अरेंज करने वालों की गलती है, या फिर ये समझ लीजिए कि जिसने भी वो अरेंजमेंट किया है उसकी गलती है। तो यहाँ पे चैनल में नॉइज आ गई, ठीक है। चैनल नॉइज डेवलप्स एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नली डेवलप होती है, ये बाहर से डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टॉर्शन ड्यू टू द फॉल्टी बैकग्राउंड, फॉल्टी बैकग्राउंड की वजह से जो डिस्टॉर्शन आता है। नॉइज इन टेलीफोन लाइंस, जब आप टेलीफोन पे किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आपके कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन नेटवर्क इश्यूज की वजह से आ रहा है, तो वो एक चैनल नॉइज है। और टू हाई अ वॉल्यूम और पिच फ्रॉम लाउड स्पीकर, अगर आपके लाउड स्पीकर से, मान लीजिए कोई स्पीकर बोल रहा है और लाउड स्पीकर से बहुत ज्यादा एकदम शार्प सी और लाइक बहुत ज्यादा हार्श आवाज निकल रही है, तो वो भी आपका एक नॉइज का काम करता है। इन रिटन कम्युनिकेशन, इलेजिबल हैंड राइटिंग कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ द चैनल नॉइज। अगर आप हैंड राइटिंग के टर्म्स में बात करें, तो कुछ लोगों की हैंड राइटिंग ऐसी होती है जो किसी की समझ में नहीं आती, तो उस सिचुएशन में आपकी जो इलेजिबल ये जो आपकी हैंड राइटिंग है, वो बेसिकली आपकी एक नॉइज का काम करेगी। सिमेंटिक नॉइज, दूसरी टाइप की नॉइज कौन सी होती है, सिमेंटिक नॉइज। सिमेंटिक नॉइज इज जनरली इंटरनली, इट इज जनरेटेड इंटरनली रिजल्टिंग फ्रॉम द एरर्स इन द मैसेज इटसेल्फ। अगर जो मैसेज आप पास करना चाहते हैं, अगर उसी में कोई एरर है या उसी में कोई मिस्टेक है, तो ये आपका इंटरनल एरर या फिर सिमेंटिक एरर कहलाती है। इट मे बी बिकॉज ऑफ द कॉनोटेटिव और इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट इज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय द सेंडर एंड द रिसीवर। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे जब हम कभी कम्युनिकेट करते हैं, तो हर लैंग्वेज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, और जैसे हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुनने में तो सेम होते हैं, लेकिन वो काफी हद तक उनके कॉनोटेशन और उनके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर स्पीकर किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है और रिसीवर किसी और कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को गेन कर रहा है, देन मैसेज विल बी एंटायरली डिफरेंट, राइट। तो यहाँ पे आपकी सिमेंटिक नॉइज क्रिएट हो सकती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेंटिक नॉइज आर एम्बिगुअस सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आप डबल मीनिंग या फिर मल्टीपल मीनिंग टाइप के सेंटेंस क्रिएट करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस जो है वो डिफरेंट तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉल्टी ग्रामर, अगर आप ग्रामर फॉल्टी यूज करते हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ और कहना चाहते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपकी फॉल्टी ग्रामर की वजह से कुछ और समझे। मिस स्पेलिंग्स, अगर आप रिटन कम्युनिकेशन में हैं, तो स्पेलिंग्स रियली क्रिएट अ ह्यूज इंपैक्ट। देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग में सिर्फ एक एक लेटर्स का डिफरेंस होता है और उनका मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। एंड इनकरेक्ट पंक्चुएशन, अगर आप पंक्चुएशन को प्रॉपर जगह पे यूज नहीं करते हैं, बिकॉज पंक्चुएशन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, तो अगर आप उनको प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत भी डिफरेंस करते हैं, तो सेंटेंस और आपकी जो कम्युनिकेशन का मीनिंग ही पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स रिवील दैट दे आर जनरली क्रिएटेड बाय, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके लिए वजह से कम्युनिकेशन बैरियर्स क्रिएट होते हैं। नंबर वन, इम्प्रॉपर एनकोडिंग, अगर आपने एनकोडिंग करने में कुछ गलती की है। नंबर टू, बाईपासिंग, अगर आप किसी स्टेप को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर थ्री, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नंबर फोर, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस। नंबर फाइव, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंस। एंड नंबर सिक्स, कल्चरल डिफरेंसेस। तो इनके बारे में हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इम्प्रॉपर एनकोडिंग की बात करते हैं सबसे पहले हम। मैसेज शुड बी प्रेजेंटेड इन लिंग्विस्टिक कोड फैमिलियर टू वंस ऑडियंस। हमेशा याद रखिए, जब भी कभी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपके कम्युनिकेशन के अनदर एंड पे, यानी सेकंड एंड पे जो रिसीवर है, उसका ध्यान जरूर रखिए। क्योंकि अगर आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो लैंग्वेज आपके रिसीवर को, यानी आपके ऑडियंस को नहीं आती है, देन योर मैसेज विल नॉट बी टेकन प्रॉपरली और योर कम्युनिकेशन विल बी एंटायरली ब्रेक डाउन, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक कोड का मतलब क्या है, लैंग्वेज सेम होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में आप प्रेजेंट कर रहे हैं और जिस लैंग्वेज को आपका ऑडियंस समझता है, इन दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द सेंडर मस्ट कंसीडर द कॉग्निटिव नॉलेज द रिसीवर हैज ऑफ द कम्युनिकेटिव कोड दैट इज बीइंग यूज्ड। कॉग्निटिव नॉलेज का मतलब होता है, एक अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो समझ।
आपको ये जानना चाहिए, आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपके सामने जो ऑडियंस बैठे हैं वो किस समझ के हैं, या फिर कितनी उनकी कैपेबिलिटी है, जो चीज़ आप बोल रहे हैं क्या वो उस बात को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आप उनको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बात, आप सोच के देखिएगा कि अगर आप गाँव के कुछ लोगों को एजुकेशन के बारे में बताने गए हैं और आपने वहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एग्जाम्पल दिया है, देन प्रोबेबली यू आर गोइंग टू क्रिएट द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने मैसेज को इम्प्रॉपर एनकोडिंग में, मतलब क्या प्रॉब्लम आती है कि या तो आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आ रही है, या फिर आपके मैसेज का कंटेंट ऐसा है जो सामने वाले व्यक्ति के लेवल से भी ऊपर का है, तो उस सिचुएशन में आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो सकता। इफ द ऑडियंस इज नॉट एबल टू फॉलो द लैंग्वेज और डायलेक्ट, अ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन विल अकर, दैट्स ऑब्वियस। नेक्स्ट इज द बाईपासिंग misunderstanding resulting from missed meanings because of the use of abstract words and phrases on which both senders and receivers do not agree. इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप कोई एक ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा फ्रेज यूज करते हैं जिसको सेंडर तो किसी डिफरेंट मीनिंग की वजह से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन रिसीवर्स की नॉलेज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की होने की वजह से वो उसके मीनिंग को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक अरब डाउरी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति एक अरब के व्यक्ति से मिला और उसने उससे पूछा, मतलब उन दोनों में दोस्ती हो गई, एक जगह पे काम करते थे। तो जो आपका इंडियन था उसने उस अरब के व्यक्ति से पूछा, व्हाई आर यू स्टिल सिंगल और व्हाई हैवंट यू गॉट मैरिड। तो जो अरब का व्यक्ति था उसने बोला, जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में या फिर इंडिया में देखा जाए स्पेसिफिकली, तो इंडिया में जो डाउरी का मतलब होता है, द डाउरी मीन्स लाइक द गर्ल्स फैमिली पेज समथिंग और जस्ट गिव समथिंग एज अ गिफ्ट टू द बॉयज फैमिली। लेकिन अरब में ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। अरब में क्या होता है, द बॉयज फैमिली गिव्स अ गिफ्ट टू द गर्ल्स फैमिली। सो द अरब बॉय वॉन्टेड टू से कि उसकी शादी इस वजह से नहीं हुई बिकॉज उसके पास डाउरी देने का पैसा नहीं है। लेकिन इंडियन व्यक्ति ने क्या समझा कि वो एक लालची व्यक्ति है और वो डाउरी चाहता है और इस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपके कॉन्टेक्स्ट या फिर कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से क्या हो रहा है, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। हालांकि जो अरब वाला व्यक्ति है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है अपनी जगह, लेकिन जो इंडियन है उस व्यक्ति को उस चीज को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस। तो ये यहाँ पे आपका कहलाता है बाईपासिंग। बाईपासिंग का मतलब जो मैसेज आपका सेंडर देना चाह रहा है उसकी जगह आप एक दूसरा मैसेज रिसीव कर रहे हैं या फिर एक दूसरी तरह का मैसेज रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, व्यूइंग अदर्स विद इन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मे ऑल्सो लीड टू कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आप सभी व्यक्तियों को या अपने सारे ऑडियंस को केवल अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पे ये प्रॉब्लम आती है। Interpreting others' point of view from your angle allows your preconceived notions and prejudices to start working for you. जब आप दूसरों के views को अपने angle से देखने की कोशिश करते हैं तो आपके जो preconceived notions and prejudices होते हैं, preconceived notion का मतलब जो आप पहले से अपने दिमाग में मान के बैठे हुए हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर आप हमेशा से विश्वास करते हैं, आपको भले ही ये ना पता हो कि आप क्यों करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ आपके कुछ स्पेसिफिक लोगों के प्रति या कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के प्रति या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के प्रति आपके मन में एक दुर्भावना हो सकती है, आप उनको अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरीके से बोलते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए, कि अगर किसी को देख लिया सुबह सुबह तो ऐसे बोलेंगे, यार यार सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, आज पूरा दिन खराब जाएगा। तो ये प्रिजुडिसेस है। ये प्रिजुडिसेस का मतलब क्या है कि आप उस व्यक्ति के प्रति प्रिजुडाइज्ड हैं, आप उसके प्रति एक दुर्भावना लिए हुए हैं और इस वजह से आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो जब आप दूसरों के व्यूज को अपने एंगल से देखते हैं तो उस सिचुएशन में आपके प्री कंसीव्ड नोशन एंड प्रिजुडिसेस जो होते हैं वो बीच में आ जाते हैं और वो आपके कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इंडिविजुअल टू एवरीवन। हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। सबकी सोचने समझने की क्षमता और सबके सोचने समझने का जो तरीका होता है वो अपने लिए बिल्कुल यूनिक होता है। As it is based on our experiences, क्योंकि हर व्यक्ति का experience different होता है। हम इस दुनिया में जहाँ पे हम रहते हैं हर व्यक्ति एक different experience follow करता है या different experience को experience करता है, तो उस situation में हम सभी लोगों के विचार similar कैसे हो सकते हैं। ठीक है, So
Frame of reference is individual to everyone as it is based on our experience, exposure, education, personality and several other elements peculiar to us. हमारे इन सब चीजों में, इन सब बैकग्राउंड्स की वजह से, एजुकेशन डिफरेंट होने की वजह से, पर्सनालिटी डिफरेंट होने की वजह से और सेवरल अदर एलिमेंट्स के डिफरेंट होने की वजह से हमारे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. तो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ अनदर पर्सन. सो टू अवॉइड कम्युनिकेशन फेलियर, बी सेंसिटिव टू दिस फैक्ट एंड ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन्स पोजीशन. जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आप को दूसरे व्यक्ति की पोजीशन पे रख के देखिए और तब उस कम्युनिकेशन को करने की कोशिश कीजिए. बिकॉज जब आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोच के उस कम्युनिकेशन को करते हैं तो वो कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है और ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन. Empathy का मतलब होता है when you put yourself into the shoes of another person, then you consider him very important और आप अपने communication को हमेशा उस व्यक्ति के लिए ही करते हैं और उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए करते हैं. That is called your empathetic communication. तो frame of reference वाली जो आपकी barrier है उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो empathetic communication is the perfect way. Coming to the physical distractions. Now, physical distractions and discomfort can easily disrupt communication. Now, what can be the physical disruptions, the physical distractions? For example, you are trying to give an oral presentation in the classroom, but the room temperature is very high. जिस क्लासरूम में आप पढ़ाने की या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उस रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, then you would not be able to concentrate on understanding, and teacher might not be able to concentrate or focus on teaching. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर कंडीशन ना होने की वजह से या फैन ना होने की वजह से आपका एक फिजिकल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है और बार बार आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं. सो योर डिस्कम्फर्ट मे कॉज कम्युनिकेशन फेलियर बिकॉज अ पर्सन हु इज फिजिकली अनकंफर्टेबल कैन बी नीदर अ गुड स्पीकर नॉर अ गुड लिसनर. तो अगर आप फिजिकली अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो ना तो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं और ना ही आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं. Try to avoid any physical discomfort during communication. अपने communication के दौरान हर तरह के physical discomfort से बचने की कोशिश कीजिए. अब वो physical discomfort आपके dressing sense में भी हो सकता है कि आपने नए कपड़े पहने हो, थोड़े से tight कपड़े पहने हो, then you would not be able to feel comfortable. तो मान लीजिए आप एक presentation देने जा रहे हैं, आज ही आप नए कपड़े खरीद के लाए, आप पहन के उनको गए वहाँ पे और नए कपड़ों में क्या होता है कि like they feel a little bit uncomfortable. So, उस सिचुएशन में क्या होगा, जब आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा और वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा तो आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू उस चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे एंड योर कम्युनिकेशन विल बी इम्पैक्टेड. सो नेवर लेट एनी फिजिकल डिस्कम्फर्ट बी अ बैरियर टू योर कम्युनिकेशन. ऑलवेज ट्राई टू टेक केयर ऑफ देम. कमिंग टू द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंसेस. Any psychological or emotional turbulence or disturbance can prove to be a barrier to effective communication because it leads to lack of interest and concentration. कोई भी psychological या emotional turbulence जो होता है वो आपके communication को break down कर सकता है. कैसे? For example, मान लीजिए आप एक presentation दे रहे हैं और मैं आपका एक जज हूँ जो आपकी presentation को judge करने वाला हूँ. But recently क्या हुआ है कि मेरा एक argument हुआ है मेरे एक फ्रेंड के साथ या कोवर्कर के साथ और उस आर्ग्यूमेंट की वजह से वो एक काफी हॉट एक्सचेंज था और उस आर्ग्यूमेंट की वजह से अभी तक मेरे दिमाग में जो है वो सब चीजें चल रही हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हुई थी. तो आप प्रेजेंटेशन कितनी भी अच्छी दे लीजिए लेकिन होगा क्या कि अल्टीमेटली मेरा दिमाग वहां पे है ही नहीं. यहाँ पे मैं इमोशनली या फिर साइकोलॉजिकली आप अवेलेबल हूं ही नहीं. तो जब मैं साइकोलॉजिकली वहां पे डिस्टर्ब हूँ उस सिचुएशन में आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो भी आप डिलीवर करेंगे वो मेरे तक पूरी तरीके से पहुंचेगा ही नहीं. बिकॉज आई एम नॉट प्रेजेंट, राइट? सो फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, फियर, एंगर, एंजाइटी और जुबिलेशन इन्फ्लुएंस आवर रिसेप्शन एंड रिसेप्टिविटी टू अदर्स आइडियाज. सो ऑलवेज रिमेंबर इफ यू रियली वॉन्ट टू बिकम अ गुड लिसनर. This part is basically in terms of like listening basically, right? So if we want to play the role of a good listener, then we should always try to take care of our emotions and the psychological stance. Only then we would be able to interpret the message properly. Communication is a purposeful activity based on rationality and reason, and one must assure that one is not emotionally charged. Emotionally charged ka matlab kya hai? Neither you should be very excited, nor very angry or nervous. तो जब भी कभी आप किसी को सुन रहे हो या किसी की कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड देन बिकमिंग इमोशनली चार्ज्ड विल ऑलवेज लीड टू द कम्युनिकेशन डिसरप्शन, राइट? सो इट विल ऑलवेज एक्ट लाइक अ बैरियर इन कम्युनिकेशन.
इंटरकल्चरल डिफरेंसेस। यहाँ पे एक एग्जांपल अभी जो हमने अरब वाली स्टोरी देखी थी वो भी एक एग्जांपल हो सकता है, बिकॉज वो डिफरेंट कल्चर है, तो डिफरेंट कल्चर्स की वजह से जो कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस आते हैं वो आपके इंटरकल्चरल डिफरेंसेस कहलाते हैं। इट इज अ रिसीवर हु असाइंस मीनिंग टू द मैसेज, क्यूज एंड मीनिंग्स आर असाइंड इन टर्म्स ऑफ रिसीवर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमेशा याद रखिए, एज अ कम्युनिकेटर, एज अ स्पीकर, आपने तो बोल दिया, लेकिन जो आपने बोला है वो सामने वाला व्यक्ति अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू ही उसको समझेगा और उसको मीनिंग देगा। आप मीनिंग ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इन द वेरी बिगनिंग वी स्टडीड दिस, आप कम्युनिकेशन के थ्रू केवल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, मीनिंग जो होता है वो रिसीवर खुद से अपने आपके कम्युनिकेशन को असाइन करता है, और वो जो मीनिंग असाइन करता है फीडबैक के थ्रू आपको पता लगता है कि क्या वो मीनिंग वही है जो मैं देना चाहता था या फिर वो डिफरेंट है। अगर वो वही है तो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, और अगर वो सेम नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ है या फिर कुछ ग्लिचेस आए हैं। This interpretation of meaning can create misunderstandings during intercultural communication because the sender and the receiver belong to the different cultures and share different values. अगर कोई दूसरा कल्चर का व्यक्ति है तो वो आप एक डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं हो सकता है कि वो उसको प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट ना कर पाए। क्यों? क्योंकि उसके कल्चर में या फिर उसके कल्चरल बैकग्राउंड में ये जो सिग्नल है या जो भी आपने कम्युनिकेट किया है वो एक डिफरेंट मीनिंग रखता हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें स्पेशली बहुत अवेयर रहना चाहिए, या फिर बहुत ये समझ लीजिए कि हर चीज को समझ के काम करना चाहिए, बिकॉज अगर हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पे सामने वाले व्यक्ति की कल्चर का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन बैरियर्स अगर देखा जाए, इनके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करें तो तीन तरह के आपके कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बैरियर्स। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, नंबर वन फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स, नंबर टू लैंग्वेज एंड सिमेंटिक बैरियर्स, एंड नंबर थ्री सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इंट्रापर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स आर यूनिक बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन परसेप्शन, एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, कल्चर, पर्सनालिटी एटसेट्रा। हम सब लोग जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दे आर डिफरेंट, एंड व्हाई दे आर डिफरेंट, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, उनकी एजुकेशन डिफरेंट होती है, पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, कम्युनिटी डिफरेंट होती है, कल्चर डिफरेंट होते हैं। तो हम सभी लोग डिफरेंट हैं, एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सेलिब्रेट दिस डिफरेंस, वी शुड नेवर ट्राई टू कंसीडर इट एज थ्रेट। कभी भी इन डिफरेंसेस को एक थ्रेट नहीं मानना चाहिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सोशल यू नो सिनेरियो और सोशल प्लेटफॉर्म। ईच ऑफ अस इंटरप्रेट्स द सेम इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज एज आर थिंकिंग वेरीज। हम सेम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से एक्सेप्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से समझते हैं। दीज डिफरेंसेज लीड टू सर्टेन इनबिल्ट और इंट्रापर्सनल बैरियर्स। इनकी वजह से, इन डिफरेंसेज की वजह से हमारा कभी कभी कम्युनिकेशन जो है वो आपका एक कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। कौन कौन से ऐसे इंट्रापर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं? रॉन्ग अजम्पशंस, वैरीड परसेप्शंस, डिफरिंग बैकग्राउंड्स, रॉन्ग इन्फेरेंसेज, ब्लॉक्ड कैटेगरीज एंड कैटेगोरियल थिंकिंग। एक एक करके इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्या इंट्रापर्सनल बैरियर्स आप जो है आप फेस कर सकते हैं? रॉन्ग अजम्पशंस आर जनरली मेड बिकॉज द सेंडर एंड द रिसीवर डज नॉट हैव एडिक्वेट नॉलेज अबाउट द अदर्स बैकग्राउंड और एंटरटेन सर्टेन फॉल्स कंसेप्शंस विच आर फिक्स्ड इन हिज और हर माइंड। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन किया था। अगर सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या फिर सेंडर और रिसीवर दोनों अपने माइंड में किसी प्री कंसीव्ड नोशन या फिर प्रिजुडिसेस को लेके कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पे हमेशा रॉन्ग अजम्पशंस की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, टू स्ट्रेंथन योर स्किल्स एज अ कम्युनिकेटर ट्राई टू पुट योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ द लिसनर। जब भी कभी आप बात कर रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति के को समझ के और सामने वाले व्यक्ति को के बारे में अच्छे से सोच के ही आप कम्युनिकेशन कीजिएगा कि आपका कम्युनिकेशन सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकिंग इंग्लिश टू पीपल विद लिटिल और नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगर आप एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो लैंग्वेज सामने वाला ऑडियंस नहीं समझता है, तो वो आपका एक इंट्रापर्सनल बैरियर की कैटेगरी में आएगा। अब जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, द डॉक्टर इज गिविंग द मेडिसिन to the person
एंड द एडवाइज इज टेक दिस मेडिसिन ओनली SOS. अब ये SOS जो होता है इसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड्स में. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो SOS का मतलब होता है ओनली इन एमरजेंसी, राइट. लेकिन अगर आप एक शिपिंग वाले व्यक्ति की तरफ से बात करें, ये जो व्यक्ति है अगर ये शिपिंग कॉन्टेक्स्ट से बिलोंग करता है या फिर शिपिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो वहां पे SOS का मतलब होता है सेव आर शिप. तो यहाँ पे दोनों कॉन्टेक्स्ट में क्या है, प्रॉब्लम हो गई है. SOS वर्ड शिपिंग में जो यूज होता है वो किस तरीके से यूज होता है, सेव आर शिप, और यहाँ पे यूज हो रहा है एमरजेंसी. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में एक थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो जाएगा. यहाँ पे डॉक्टर कह रही है कि इसको एमरजेंसी में आपको मेडिसिन लेनी है, बट ही थिंक्स कि मुझे मेडिसिन तब लेनी है जब SOS की सिचुएशन अराइज हो. ठीक है, SOS एक सिचुएशन होती है जहां पे आपका सिग्नल्स भेजे जाते हैं मोर्स कोड के थ्रू. तो यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये डिफरेंसेस बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में या फिर बैकग्राउंड में डिफरेंसेस की वजह से आ रहे हैं. तो ये इंट्रापर्सनल बैरियर्स का फर्स्ट टाइप था. सेकेंड टाइप इज द वेरिड परसेप्शन. हर इंडिविजुअल का एक डिफरेंट परसेप्शन हो सकता है कम्युनिकेशन को लेके. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं एक हाथी है और उस हाथी के चारों तरफ आपके सम लाइक विजुअली इम्पेयर्ड पीपल आर देयर, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है. तो जिसके हाथ में जो आ रहा है वो उसी तरीके से उस हाथी को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है. So somebody is saying that it's a wall, somebody is saying it's a tree, somebody is saying it's a sword, right? जिसके हाथ में सूंड आ रही है, जिसके हाथ में ट्रंक आ रहा है, they are saying it's a snake. जिसके हाथ में ears आ रहे हैं, he is saying like it's a fan. So like they all have the different perspective or they all have a different view. But अगर actual में देखा जाए तो वो एक हाथी है, right? So आपने communicate किया हाथी elephant, but everybody is actually taking it in a different perspective or different view. So varied perceptions जो हैं, अगर कोई positively सोचता है, अगर कोई negatively सोचता है, कोई optimistic है, कोई pessimistic है, तो situation में आपकी communication के different different meanings perceive हो सकते हैं, and that can be a intrapersonal barrier. In case of conflict, every individual consider his her perception close to reality. जब conflict होता है, तो conflict कब होता है? जब हर व्यक्ति अपने perception को बिल्कुल सही मानता है. The best way to overcome this barrier is to step back and take a wider, unbiased perspective of the issue to know both sides of the story. अगर आप इस barrier से छुट्टी पाना चाहते हैं, इस barrier को आप अपने communication से निकालना चाहते हैं, तो हमेशा always try to think in an unbiased way. Never try to put your prejudices, perspectives in the foreground and don't let them get involved into your communication. Differing backgrounds, different backgrounds के अगर व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पे उनके different experiences की वजह से या फिर different type की vocabulary की वजह से वहाँ पे problem आ सकती है. For example, this teacher belongs to some rock climbing sort of background. So when he is just saying a statement, if you clip a carabiner to each end of the sling, you have a quick draw. Now यहाँ पे जो एक carabiner, sling and quick draw है, ये आपके technical jargons हैं. इन jargons का meaning आपको तभी पता हो सकता है जब आप rock climbing industry या rock climbing background से belong करते हो. So यहाँ पे differing background जो है, वो students के और teacher के बीच में जो communication है, उसको disrupt कर रहा है. तो ये आपका कहलाता है interpersonal barrier. And to enhance communication skills, it is necessary to know the background of the audience. Audience ki background ko samajhna bahut hi zaruri hai. This information can accordingly be used to construct the message. Message ko construct karne ke liye aap is information ka utilization kar sakte hain. Empathy or identification with another person is solution to the barrier. Agar aap is barrier ka solution chahte hain, to aapko empathy ya fir dusre vyakti ko proper tarike se samajhna aapke liye bahut zaruri hai. The language understood by the receiver should be used to avoid ambiguity and reduce multiple meanings. Hamesha aisi language use kijiye jiske multiple meanings na ho, kyunki agar multiple meanings honge to jitne audience honge wo apne perspective ke hisab se usko different different meaning assign kar sakte hain. Theek hai, multiple meaning ko aap reduce kijiye to aapke intrapersonal barriers ko aap aasani se reduce kar sakte hain. Be cautious while using words. जब आप words use कर रहे हैं, then always be cautious. What type of words you are utilizing? और उसका क्या meaning हो सकता है, या फिर सामने वाला व्यक्ति उसको किस perspective में देख सकता है? Multiple meanings of a word can increase the problem of communication barriers. अगर एक ही word के दो या दो से ज़्यादा meaning होते हैं, तो उस situation में आपकी problem बढ़ सकती है. A word can have several connotations. Implied meaning. Connotation का मतलब होता है implied meaning. यानी आपका जो वर्ड का लिटरल मीनिंग ना होके वो सेंटेंस में या कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग दिखा रहा है, वो आपका कॉनोटेशन कहलाता है.
सेवरल कॉनोटेशंस एंड डेफिनेशंस। एक वर्ड की डिफरेंट कॉनोटेशंस और डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं। आप उस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, अगर वहां पे वो क्लियर नहीं हो रहा है खुद से, तो आपको क्लियर करना ये आपकी ड्यूटी बनती है। एक्सप्लेन द मैसेज इन कॉन्टेक्स्ट बाय रिफ्रेजिंग एंड रिपीटिंग वर्ड्स दैट कैन बी कंफ्यूजिंग। अगर आपके वर्ड्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, देन ऑलवेज ट्राई टू रिफ्रेज देम और रिपीटिंग देम, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति उनको अच्छे से समझ पाए। अब जैसे आपके जो कंफ्यूजिबल या कंफ्यूज्ड वर्ड्स हो सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे होमोफोन्स के बारे में आपने सुना होगा। होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स जिनके प्रोनंसिएशन तो सेम होते हैं, बट उनके मीनिंग और उनके स्पेलिंग दोनों में डिफरेंस होता है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ATE8 एंड EIGHT8। ATE जो है वो ईट का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन 8 जो है वो आपका एक नंबर है। सो 8 और 8 दोनों का प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम है, बट उनके जो मीनिंग है और उनकी जो स्पेलिंग्स है वो डिफरेंट है। तो अगर आप इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, देन यू नीड टू क्लैरिफाई इट विद सम अदर एग्जांपल्स। बैंड एंड बैंड, ब्लू एंड ब्लू, कोर्स एंड कोर्स, फेयर एंड फेयर, जीन्स एंड जीन्स, आवर एंड आवर। इसी तरीके से आपके होते हैं होमोनियम्स। ना होमोनियम्स कौन से होते हैं? जिनके सेम प्रोनंसिएशन होते हैं, स्पेलिंग भी सेम होती है, बट उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग्स के साथ यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आर्म, आर्म्स को आप हथियारों के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, जो आपके हथियार होते हैं, और आर्म को आप एज अ नाउन अपना जो बॉडी का पार्ट है उसकी तरह भी यूज कर सकते हैं, और आर्म को एज अ वर्ब, आर्म को एज अ वर्ब भी यूज किया जा सकता है जब आप किसी से बोलते हैं कि आर्म योरसेल्फ या फिर अपने आप को तैयार कर लो। क्लिप, इसी तरीके से क्रेन, बार्क, ड्रॉप, फीट, लीव्स, पार्क, स्केल, शिप, टाइप एंड वेव, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग दिया जा सकता है। एंड देन कम्स द होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स का मतलब क्या है? दे आर स्पेल्ड सेम, यानी उनकी स्पेलिंग सेम होती है, बट उनके प्रोनंसिएशन भी डिफरेंट होते हैं और उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल MINUTE, इसको आप मिनट भी बोल सकते हैं और इसको आप माइन्यूट भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से रीड, READ, इसको रीड भी बोला जा सकता है, इसको रेड भी बोला जा सकता है। विंड और वाइंड, WIND, दो तरीके के डिफरेंशिएशन होते हैं इसके अंदर। वुंड एंड वाउंड, लर्न्ड एंड लर्नड, दोनों में डिफरेंस है। तो जब कभी भी आप इस तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड्स यूज करते हैं, तो आपको उनको एक्स्ट्रा वहां पे कॉशियस रहना पड़ेगा उनको क्लैरिफाई करते हुए, ठीक है। इसी तरीके से आपके कॉनोटेशंस, डिफरेंट कॉनोटेशंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे चार वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ग्रुप, क्लब, क्लिक एंड गैंग। इन चारों का मतलब समूह होता है, हिंदी में देखा जाए तो समूह। लेकिन जो आपके ग्रीन कलर में जो वर्ड्स दिए गए हैं, ग्रुप एंड क्लब, दे आर कंसिडर्ड टू बी द पॉजिटिव कॉनोटेशन। यानी जब आप बोल रहे हैं अ ग्रुप ऑफ टीचर्स या फिर अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, ठीक है, तो वहां पे आपका ये पॉजिटिव कॉनोटेशन दे रहा है। जो क्लिक होता है या फिर गैंग होता है, वो नेगेटिव एक्सप्रेशन देता है। कभी भी आप ऐसा नहीं बोलेंगे अ गैंग ऑफ टीचर्स, गैंग हमेशा नेगेटिव पीपल का होता है। फॉर एग्जाम्पल अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ गैंग ऑफ यू कैन से लार्सनर्स। सो इन दिस वे gang and click are the negative connotation word, group and club are the positive connotation words. In this way, interested, curious and nosy, इनका meaning भी बिल्कुल similar होता है, same नहीं होता, similar होता है. Interested positive में आता है, जब आप interested होते हैं तो you are considered to be positive. जब आप curious होते हैं तो आप neutral माने जाते हैं, लेकिन जब आप nosy हैं तो आप बार बार एक ही चीज को demand कर रहे हैं, then it is considered to be your nosiness. ठीक है, तो वो आपका negative consider किया जाता है. In the same way, employ, use and exploit, ये जो green color में है वो सब positive है, blue color neutral connotation है, और red color आपका जो है वो आपका negative connotation है. ऐसी तरीके से आपका steadfast, tenacious and stubborn, जब आप जिद्दी होते हैं तो जिद्दी होने के अलग अलग तरीके होते हैं. अगर आप अपने अपने goal को लेके जिद्दी हैं तो आप basically क्या हैं, आप steadfast हैं. अगर आप थोड़े से न्यूट्रल हैं, मतलब जिद्दी हैं लेकिन ठीक है सामने वाले व्यक्ति की बातों को भी आप कंसीडर कर रहे हैं, तो आप टेनेशियस हैं. स्टबर्न का मतलब होता है इस तरीके से जिद्दी कि आप किसी की बात मान ही नहीं रहे हैं और अपनी गलत बात भी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. एंड देन कम्स द यूनिक, डिफरेंट एंड पिक्यूलियर. यूनिक का मतलब होता है जब आपके अंदर कोई पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको यूनिक बनाती हैं. जब आप सामने वाले व्यक्ति से डिफरेंट हैं तो आप सिंपली न्यूट्रली, यहाँ पे न्यूट्रल कॉनोटेशन आपका दिखाई दे रहा है. लेकिन जब आप पिक्यूलियर हैं, तो हिंदी में बोलते हैं ना यार वो तो बहुत अजीब सा है, तो ये जो अजीब सा जो वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द पिक्यूलियर, राइट. सो ये जो वर्ड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं? हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब आप इन वर्ड्स को यूज करते हैं, आपको लगेगा कि भाई ग्रुप और गैंग दोनों का मतलब सेम है, या आपको लगेगा यूनिक और पिक्यूलियर दोनों का मतलब सेम है. लेकिन जब आप इनको यूज करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति अपनी नॉलेज के बेसिस पे इनको डिफरेंट तरीके से
ग्रेस्प कर सकता है, इनको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। तो इन वर्ड्स को यूज करते टाइम आपको खासी सावधानी बरतनी पड़ती है, आपको अच्छी खासी लाइक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनकी, तभी आप इनको यूज करिए। कमिंग टू द फोर्थ वन, दैट इज द रॉन्ग इन्फेरेंसेस। रॉन्ग इन्फेरेंसेस का मतलब क्या होता है? इलॉजिकली एंड बेसलेसली अज्यूम्ड कंक्लूजंस फार फ्रॉम द फैक्ट। जब आप इलॉजिकली और बेसलेसली कुछ अजम्पशंस को सही मान लेते हैं तो वो आपके इंट्रापर्सनल बैरियर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे? मतलब इस कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स होते हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये एक लॉजिकल फैक्ट है, बेसलेस फैक्ट है, कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है, रिलेवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को मानते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी आप इस तरह की व्यूज, या फिर आप ऐसा मानते हैं कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ही जिम्मेदार है हमारी सोसाइटी के डिग्रेडेशन के लिए, या फिर आप एक ऐसी चीजें मानते हैं जो कि जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है या जिनका कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप इंट्रा पर्सनल बैरियर्स को क्रिएट करते हैं। तो रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस से बचने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस आपको यूज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप अपनी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसको आप लॉजिकल बनाना चाहते हैं, तो आप हमेशा उसके साथ एविडेंसेस सजेस्ट कीजिए कि आपका एविडेंस सजेस्ट करते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन माई ओपिनियन। जब आप ये बोलते हैं कि इन माई ओपिनियन, तो इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये आपका कोई वेरीफाइड ट्रुथ नहीं है, ये आपका खुद का ओपिनियन है, तो वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप अगर इस तरह के फ्रेजेस यूज करते हैं तो रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस से आपके जो ऑडियंस हैं वो बच सकते हैं। देन कम्स द ब्लॉक्ड कैटेगरीज। ब्लॉक्ड कैटेगरीज का मतलब क्या होता है? व्हेन वी रिसीव इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट कंफर्म टू आवर पर्सनल व्यूज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स, और अपीयर्स अनफेवरेबल टू अस, वी टेंड टू रिएक्ट नेगेटिवली और इवन डिसबिलीव इट। यानी अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जो हमारे इंटरनल वैल्यूज के साथ मैच ना करती हो, तो हम उसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर देते हैं, और यही कहलाता है ब्लॉक्ड कैटेगरीज। ठीक है, rejection, distortion and avoidance are three common undesirable and negative reactions to unfavorable information. yani jab aapko koi unfavorable information milti hai to ya to aap usko reject kar dete hain, ya fir aap usko distort kar dete hain, ya fir aap usko puri tarike se avoid kar dete hain. to blocked category ke through aap apne communication mein ek intrapersonal barrier create karte hain. People with closed mind and who do not accept changes or new perspectives are called mesonists. ये जो mesonists होते हैं, ये basically अपने विचारों पे बिल्कुल अड़ियल होते हैं। वो किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को नहीं समझते। They tend to ignore variations and differences, which leads to unreliable conclusions. यानी अगर आप इनके हिसाब से देखें तो variations और differences जो होते हैं वो basically गलत हैं, और ये हमेशा unreliable conclusions की तरफ जाते हैं और unreliable conclusions को जन्म देते हैं। Some people have certain prejudices so deeply embedded in their mind that these cannot be challenged. और कुछ लोगों के दिमाग में जो prejudices होते हैं या फिर उनके जो preconceived notions होते हैं वो इतने ज़्यादा strongly embedded होते हैं कि आप उनको कितना भी समझा लीजिए या फिर कितनी भी अपनी बात को prove करने की कोशिश कर लीजिए, आप उन तक अपनी बात नहीं पहुँचा सकते हैं। तो कुछ cases में ये blocked categories बहुत strong होती हैं। People who are very rigid in their opinion may face problems in communicating effectively. अगर आप किसी चीज पे बहुत ही ज्यादा rigidly विश्वास करते हैं, then उस चीज से related communication जब भी आप करेंगे तो आपको उसमें problem होगी, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति के विचारों को उसमें entertain नहीं करेंगे। All such people fall into the blocked categories because they may not be able to accept the deviation from the points of view. ऐसे लोगों को ही हम, ऐसे व्यक्तियों को ही हम blocked categories बोलते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों के अलावा दूसरों के विचारों को कभी भी कोई भी मतलब महत्व नहीं देते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। Then comes your categorical thinking. Now, what is the categorical thinking? People who feel they know it all are called the pansophist. ऐसे व्यक्ति जिनको ये लगता है कि मुझे सब आता है, वो कहलाते हैं pansophist. ऐसे व्यक्तियों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी कभी आप उनको कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, वो हमेशा क्या बोलेंगे? ये बात तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ इस बात को। चाहे उनको ना पता हो, but they will always say like this, and they refuse to accept any further information on that topic. तो जब वो इन्फॉर्मेशन को गेन करने से ही मना कर देंगे, या फिर वो अपने सामने एक वॉल क्रिएट कर लेंगे कि मुझे तो ये पहले से पता है, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड यू वुड नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट टू देम व्हाट यू रियली वांट टू टेल देम। ठीक है, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग कैन पोज अ मेजर बैरियर। इस तरह की जो थिंकिंग होती है वो एक मेजर बैरियर क्रिएट कर सकती है, लीडिंग टू द फेलियर इन कम्युनिकेशन। द क्लू टू डिटेक्टिंग दिस बैरियर इन आवरसेल्व्स एंड इन अदर्स इज द यूज ऑफ वर्ड्स।
आप वर्ड्स के यूज से इस तरह के बैरियर को समझ सकते हैं। जो पैंसोफिस्ट होते हैं, जिनको सब पता होता है, जिनको लगता है कि उन्हें सब पता है, वो जनरली कैसे वर्ड्स यूज करते हैं? ऑल, ऑलवेज, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरी टाइम, एंड देयर ऑपोजिट्स लाइक नन, नेवर, नोबडी, नथिंग। जब कुछ एब्सोल्यूट इस तरह के आपके वर्ड्स यूज हो रहे हो, तो समझ जाइए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको अच्छे तरीके से नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में पहले से एक बहुत ही ईगो वाली भावना है, और वो अपने आप को सबसे ऊपर मानता है, और उसको सब कुछ आता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है। इफ अ मैसेज कंटेन्स टू मैनी ऑफ दीज वर्ड्स, देन देयर इज अ फेयर चांस ऑफ द कम्युनिकेशन गेटिंग डिस्टॉर्टेड। अगर इस तरह के वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। टू अवॉइड दिस बैरियर, सब्स्टिट्यूट दीज वर्ड्स विद द फ्रेजेस लाइक इन मोस्ट सिचुएशंस, मोस्ट लाइकली। तो जब भी कभी आप अपना स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप जो कैटेगोरियल थिंकिंग से बचना चाहते हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस, या मतलब इस तरह की फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन मोस्ट सिचुएशंस दिस हैपेंस, या फिर मोस्ट लाइकली दिस विल हैपन, या फिर इट अपीयर्स टू मी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? इट अपीयर्स टू मी मतलब आप अपना एक सजेशन जोड़ रहे हैं, आप एक प्रपोजल दे रहे हैं कि ये मैं ऐसा सोचता हूँ, हो सकता है कि आप डिफरेंट तरीके से सोचते हो। और द एविडेंस इंडिकेट्स, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द मैसेज। If your knowledge is insufficient, admit that you are unaware of the rest of the information rather than being indirect. हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी नॉलेज इनसफिशियंट है, तो आप हमेशा उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक सिंपल, एक बहुत पुरानी कहावत है, आप अपने ग्लास में पानी और तभी भर सकते हैं जब आपका ग्लास खाली हो। अगर आपका ग्लास पहले से फिल्ड है, तो आप उसको नहीं भर सकते। So, if you are already filled with information and if you think that I know everything, then probably you would not be able to take any more information or any more understanding, right? So, summary of intrapersonal barriers. Intrapersonal barriers kaun-kaun se hote hain? Wrong assumptions, wrong inferences, varied perceptions, blocked categories, differing background and categorical thinking. Now, moving towards the interpersonal barriers. इंटरपर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं? ड्यू टू द इनअप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन ऑफ वर्ड्स और मैसेज बिटवीन टू और मोर पीपल। इंटरपर्सनल बैरियर्स हमेशा दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन ऑफ वर्ड्स और मैसेज, अगर इसमें कोई आपका इनअप्रोप्रिएशन होता है या इनअप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन होता है, तो आपके इंटरपर्सनल बैरियर्स जो है वो आपके अराइज होते हैं। द टू ब्रॉड कैटेगरीज इन टू विच दीज बैरियर्स कैन बी क्लासिफाइड आर इनएफिशियंट कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, तो आपका इंटरपर्सनल बैरियर क्रिएट होता है। एंड नेगेटिव एस्पेक्ट नर्चरिंग इन द क्लाइमेट, अगर आपके क्लाइमेट में ही नेगेटिव एस्पेक्ट जन्म ले रहे हो, तो सिचुएशन में भी आपका इंटरपर्सनल बैरियर जो है वो आ सकते हैं। इंटरपर्सनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के बीच में या फिर दो समूहों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वहां पे वो बैरियर आता है। इन्हीं इन्हीं स्किल्स, व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर कंसिडर्ड टू बी द इंटरपर्सनल स्किल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच में होता है। ठीक है, सो इंटरपर्सनल बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं? दे कैन बी लिमिटेड वोकैबुलरी, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज, इमोशनल आउटबर्स्ट, कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी, cultural variations, poor listening skills and noise in the channel. इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अगर आपकी vocabulary limited है, यानी आपकी vocabulary wide नहीं है, then आपके communication में आपको major problem आने वाली है। तो vocabulary को अपने rich बनाना होता है, तभी आप proper तरीके से communicate कर पाते हैं। ठीक है, you should have a varied and substantial vocabulary. Merely having a wide vocabulary is of no use unless the communicator knows how to use it. अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप वर्ड्स की लिस्ट याद करते हैं और आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हैं, दैट डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस, बिकॉज जब तक आपको वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना ना आए, या आपको ये ना पता हो कि उनको कैसे यूज किया जाता है, तब तक आप अपने इंटरपर्सनल बैरियर को फेस करेंगे। इन कम्युनिकेशन द डेनोटेटिव और कोनोटेटिव, डेनोटेटिव मीनिंग का मतलब होता है लिटरल मीनिंग, ठीक है, और कोनोटेटिव मीनिंग का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो वर्ड आपका मीनिंग सजेस्ट कर रहा है वो। Meanings of the word should be clear to the receiver. वो clarity बिल्कुल होनी चाहिए कि words का actual meaning क्या है. Therefore, one should make consistent or constant efforts to increase one's vocabulary. हमेशा कोशिश करते रहिए कि आप अपनी vocabulary को improve करें. Vocabulary को कैसे improve कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको enhance कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं जल्द ही आपके लोगों के लिए lectures लेके आऊंगा, जिससे कि आप अपनी vocabulary को अच्छे तरीके से develop कर पाएं. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। देखिए, नॉन वर्बल मैसेज या नॉन वर्बल लैंग्वेज में आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका हैंड मूवमेंट, ये सब कुछ आते हैं।
तो जब आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इनकंसिस्टेंसी होती है या फिर वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो रिसीवर होता है वो एक कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाता है कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है। आपके वर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं, आपकी बॉडी कुछ और बोल रही है, तो सिचुएशन में आपका थोड़ा सा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। सो नॉन वर्बल क्यूज प्रोवाइड अ डीपर इनसाइट इनटू सेंडर्स मैसेज। आपके नॉन वर्बल क्यूज जो हैं या फिर आपकी जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है वो हमेशा आपके मैसेज को सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि वो उसको अपोज करें। द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट द पीपल इज मोस्ट ऑफन मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी कभी आप किसी से कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं तो आपका फिजिकल अपीयरेंस किस टाइप का है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन सेट करता है, ठीक है। सो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करें। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेशन। जिस ओकेशन पे आप जा रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को ड्रेस अप कीजिएगा। वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। जब आप नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं तो दे विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, दे विल बूस्ट योर मॉरल। चूज एन अप्रोप्रिएट हेयर स्टाइल। ऐसा नहीं है कि आप वो कौन सी मूवी है वो, आई फॉरगॉट, तेरे नाम वाला स्टाइल लेके आप इंटरव्यू में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द पर्सनल थिंग्स, बट दिस इज समथिंग लाइक एक जेन्युइन या फिर एक आपका जो डिसेंट हेयर स्टाइल होता है वो हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता है और आपकी एक इमेज जो है वो सामने वाले व्यक्ति के मन में बनाता है। वेयर क्लीन एंड पॉलिश शूज। अपने शूज को प्रॉपर तरीके से पॉलिश रखिएगा, क्लीन शूज अपने पहनिएगा। नंबर 3 इज द इमोशनल आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट का मतलब होता है जब कोई चीज फटती है। अगर आपके अंदर कोई इमोशनल आउटबर्स्ट है, यानी अगर आपके अंदर कोई इमोशनल जो है एक ज्वालामुखी जो है वो अंदर पक रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फटेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों से हमेशा बचना चाहिए, बिकॉज अगर आपके अंदर कोई भी इमोशंस इस तरह से लाइक काफी दिन से पेंट अप हो रहा है तो उसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। A moderate level of emotional involvement intensifies communication, making it more personal. However, excessive emotional involvement can be an obstacle in communication. अगर आपका excessive involvement आपके communication में emotions का है, तो believe me, it's going to create an obstacle in the communication. ठीक है? For example, extreme anger, बहुत गुस्से वाले हैं अगर आप, frustration of all other types of negative emotions can make the effective communication absolutely impossible. अगर आप बहुत गुस्से वाले हैं या फिर एक बहुत ज्यादा frustrated रहते हैं तो उस situation में आप सामने वाले व्यक्ति से सही तरीके से communicate नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा गुस्सा करने के mood में होंगे और जब भी कभी आप गुस्सा करेंगे तो communication कभी भी proper नहीं होता है। It is important to maintain one's composure in all kinds of communication. जो भी communication आप कर रहे हैं, अपने composure को maintain करना वहाँ पे बहुत जरूरी है। Viewing issues from the different perspective helps develop objectivity and rational thinking. जब आप different perspective से सामने वाले व्यक्ति के perspective से matter को देखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आपकी objectivity और rational thinking improve होती है, और ये आपके interpersonal barriers को थोड़ा सा कम करती है। When confronted with such negative behavior, it is essential to avoid reacting. अगर कभी भी आपके सामने कोई व्यक्ति गुस्सा करता है या कोई व्यक्ति इस तरह का बिहेव करता है, always try not to react. अगर आप react ना करना choose करेंगे, it will always lead to better communication. The person displaying these emotions should be calm down. और कोशिश कीजिएगा कि सामने वाले व्यक्ति को आप calm down करें। Number 4 is the communication selectivity. Now, communication selectivity का मतलब क्या होता है? आपने एक पूरा स्टेटमेंट बोला या पूरी एक चीज कम्युनिकेट की, बट सामने वाला व्यक्ति उस कम्युनिकेशन का केवल एक छोटे से पार्ट को लेके बैठ जाता है और उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। यानी द पर्सन पेज अटेंशन ओनली टू अ पार्ट ऑफ द मैसेज। ही इज इम्पोजिंग अ बैरियर नोन एज अ कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी। यानी यहाँ पे रिसीवर खुद से सेलेक्ट कर रहा है कि मुझे क्या चीज पकड़नी है और क्या चीज छोड़नी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ स्पीकर मेरा जो इंटेंशन था वो पूरा मैसेज डिलीवर करने का था, लेकिन आपने उसमें से एक छोटा सा पार्ट पकड़ लिया और आप केवल उसी को सिलेक्ट करके रिसीव कर रहे हैं। दिस हैपेंस बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन दैट पार्ट ऑफ मैसेज। ऐसा केवल तभी होता है जब रिसीवर आपका किसी सर्टेन पार्ट ऑफ मैसेज में इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। In such a situation, the sender is not at fault. यहाँ पे sender की कोई गलती नहीं होती, it is the receiver who breaks the flow of communication. ये receiver के ऊपर depend करता है और इस वाले communication selectivity के लिए receiver ही पूरी तरीके से आपका responsible होता है।
Communication selectivity may act as a barrier in written forms of communication as well. Written form में भी आपका communication barrier जो है interpersonal barrier या communication selectivity का हो सकता है. आप book का पूरा paragraph पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने के बाद समझेंगे आप उसी चीज को जो चीज आपको अच्छी लगेगी, तो ये आपका communication selectivity कहलाता है. नेक्स्ट इज कल्चरल variations. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. इट occurs इन multinational organizations which employ workforce from different cultures, continents, countries and backgrounds. अगर आप एक multinational company में work करते हैं और वहाँ पे USA से भी लोग work कर रहे हैं, Indonesia से भी, Pakistan से भी, Russia से भी, वहाँ पे आपके intercultural differences जो हैं वो आएंगे ही आएंगे, उनको आप ignore नहीं कर सकते, avoid नहीं कर सकते. तो ऐसे situations में interpersonal barriers आपके आते हैं. Success, whether as a student or as a professional, lies in knowing the best business practices, social customs, etiquettes of the particular country one is dealing with. If you are talking to a person who belongs to Pakistan or if you are talking to a person who belongs to Arabian countries, always try to understand their background and how exactly you should approach them. क्योंकि अगर आपको उनका कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में आप अनभिज्ञ हैं तो उस सिचुएशन में आप एक इंटरपर्सनल बैरियर वहां पे क्रिएट कर सकते हैं ड्यू टू द कल्चरल वेरिएशंस. पुअर लिसनिंग स्किल्स. अ कॉमन ऑब्स्टिकल टू कम्युनिकेशन इज पुअर लिसनिंग हैबिट्स. अगर व्यक्ति के अंदर लिसनिंग हैबिट्स नहीं है उस सिचुएशन में वो हमेशा इंटरपर्सनल बैरियर क्रिएट करेगा. The various restrictions that hinder listening can be emotional disturbances. अगर आप emotionally disturbed हैं तो भी आपके variations ये poor listening skills result कर सकते हैं. Indifference, आप सामने वाले व्यक्ति को value ही नहीं दे रहे हैं. Aggression, आप गुस्सा कर रहे हैं, या फिर wandering attention, या फिर आपका focus जो है वो इधर उधर हो रहा है, उस situation में आप proper तरीके से नहीं समझ पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे. Sometimes an individual is so engrossed in his or her own thoughts and worries that he or she is unable to concentrate on listening. कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ लोग अपने आप में ही खोए रहते हैं. जब वो अपने आप में ही खोए रहेंगे तो वो सामने वाले व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे और वहां पे आपका पुअर लिसनिंग स्किल्स का इंटरपर्सनल बैरियर जो है वो क्रिएट हो जाता है. Divided attention adversely affects the superior-subordinate relationship besides distorting the communication. जब आपका अटेंशन आपके कम्युनिकेशन पे नहीं होता है, कम्युनिकेशन तो डिस्टोर्ट होगा ही होगा. जिस व्यक्ति के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं वो भी आपके खराब हो जाएंगे. बिकॉज अगर आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहेगा. ठीक है. Then next comes the noise in the channel. Noise के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं. Any unwanted signal that acts as a hindrance in the flow of communication is called noise. Audio visual भी हो सकती है noise, written भी हो सकती है, psychological, किसी भी form में आपकी noise हो सकती है. All these forms of noise may restrict the receiver from the message. यानी जो आपका ये noise है, किसी भी तरह की जो noise होती है वो receiver को message को proper तरीके से decode करने से रोकेगी. Human noise can be like a member arrives late, distracting everybody's attention. एक human noise भी हो सकती है. वो human noise क्या है? अगर आप किसी conference में थोड़ा देर से आते हैं, उस situation में क्या होगा? कि आप सबकी attention को grab कर रहे हैं, सबका attention main speaker से हटके आपके ऊपर आ जाएगा. आपने gate खोला, gate की आवाज हुई तो सभी लोग आपकी तरफ देखने लगे, तो वहाँ पे क्या हुआ? आपने एक noise create कर दिया. Disturbances in telephone lines, poorly designed acoustics of the room, dim typescripts, illegible writings. Are some of the examples of the technical noise. We have already discussed about them. So, interpersonal barriers ke baare mein agar dekha jaye, to limited vocabulary, incompatible verbal and non-verbal message, emotional outburst, noise in the channel, cultural variations, selective communication and poor listening skills. These are considered to be the interpersonal barriers. And next come the organizational barriers. Most large companies have rigid hierarchical structure which usually restricts the flow of communication. Hierarchical structures जो होती हैं वहाँ पे हमेशा आपका communication का जो flow होता है वो restrict हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे rigid structure होती है. ठीक है. This is because there are numerous transfer points for the communication. जब आपके different transfer points होंगे, top level से middle level से lower level, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपका message जो है वो हर level पे थोड़ा थोड़ा distort होता चला जाता है. The potential to distort, delay and lose the message. ये जो points होते हैं इनके अंदर, यानी जो आपके levels होते हैं इनके अंदर हमेशा आपके message को distort, delay और lose करने की tendency होती है. So, the main organizational barriers are too many transfer stations, fear of superiors, negative tendencies, use of inappropriate media and information overload. इनके बारे में हम discuss करते हैं. Too many transfer stations,
The more links there are in the communication chain, the greater are the chances of miscommunication. जितने ज्यादा links आपके communication में होंगे, for example, if there are 5 people level by level involved in the communication, first person से end person तक जब communication पहुंचेगा या message पहुंचेगा, तो वो message काफी हद तक distort हो चुका होगा. The message gets distorted at each level. भाई मान लीजिए आपने अपने एक friend को कोई बात बताई, आपके उस फ्रेंड ने अपने आपके दूसरे फ्रेंड को बात बताई, दूसरे फ्रेंड ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को, और पांचवें ने फिर वापस से आपको बात बताई, तो आप देखेंगे कि जो आपने मैसेज अपने फर्स्ट फ्रेंड को दिया था और जो लास्ट फ्रेंड से आप मैसेज गेन कर रहे हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. क्यों? क्योंकि वहां पे आपका मैसेज जो है वो लगातार डिस्टॉर्ट होता चला जाता है. Having too many transfer stations is always an obstacle. So, हमेशा information communicate करते time minimum number of transfer stations होने चाहिए. Transfer stations do serve a purpose, but having too many of them is counterproductive. ऐसा नहीं है कि ये जो transfer stations होते हैं ये useless होते हैं. Of course, they help. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैं ऐसे transfer stations, तो they will always create a counterproductive sort of situation. Fear of superiors. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो उस सिचुएशन में आपके जो लोअर मैनेजमेंट होता है या फिर जो आपके लोअर लेवल एम्प्लॉय होते हैं, उनके अंदर एक डर होता है अपने सुपीरियर्स का. जब वो डर होगा तो वो कम्युनिकेट करेंगे ही नहीं. ठीक है, तो रिजिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में देयर इज अ फियर और ऑ ऑफ सुपीरियर विच प्रिवेंट्स सबॉर्डिनेट्स फ्रॉम स्पीकिंग फ्रेंकली. सो फ्रेंकली नहीं बोल पाते हैं. As a supervisor, it is essential to create an environment which enables people to speak freely. हमेशा organization में एक ऐसा environment होना चाहिए जो आपको freely बोलने के लिए allow करता हो. An open environment is conducive to increasing the confidence and goodwill of the communicator. Open और conducive environment जो होता है, वो हमेशा सामने वाले व्यक्ति की goodwill as a communicator को establish करता है. By encouraging active participation from their subordinates, senior officers pave the way for more ideas, resources and solutions to come forth. देखिए, जब lower level के लोग, यानी जो आपके employee level के लोग हैं, अगर वो आपके higher management के साथ communication में होंगे, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि ideas केवल higher management के लोगों के दिमाग में आते हैं. जो आपके employee level के लोग होते हैं, उनके under में, उनके दिमाग में भी आपके बहुत अच्छे-अच्छे ideas आ सकते हैं. वो ideas अपने superior level के या फिर top management level के लोगों से अगर वो discuss करते हैं, then the top management can actually get benefit out of them. ठीक है, ideas हो सकते हैं, resources हो सकते हैं, different solutions उनके दिमाग में आ सकते हैं. Then come the negative tendencies. Many organizations create work groups, and these groups may be formal and informal, and generally consist of people who share similar values, attitudes, opinion, beliefs, and behavior. आपके जो organizations होते हैं, उनमें हमेशा groups होते हैं. ये groups formal भी हो सकते हैं, informal भी. Formal तो मान लीजिए, जैसे मैं एक company का CEO हूँ, तो मैंने क्या किया? मैंने different teams बना दी. ये डिजाइन टीम है, ये मैन्युफैक्चरिंग टीम है, ये ऑटोमेशन टीम है, तो ये मेरे ऑफिशियल ग्रुप्स हो गए. अब अनऑफिशियल ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो लोग आपस में लंच करते हैं, खाना खाते हैं साथ में, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ लोग राजस्थान से हैं, कुछ लोग हरियाणा से हैं, तो उनके अपने एक इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं. राजस्थान वाले लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, उत्तर प्रदेश वाले लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे. ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स अपने आप से बन जाते हैं, ये कहलाते हैं आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स. तो नेगेटिव टेंडेंसीज क्या होती हैं? On some occasions, a communication barrier can exist due to the conflict of ideas between the members and non-members of group. अब मान लेते हैं कि यूपी ग्रुप के जो व्यक्ति हैं, वो आपके राजस्थान ग्रुप के व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक राजस्थान ग्रुप का व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश वाले ग्रुप के व्यक्तियों से कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो दे कैन फील इंटिमिडेटेड और डोमिनेटेड, एंड देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट. Once these negative tendencies develop, they create noise in interpersonal communication. अगर इस तरह की negative tendencies वहाँ पे develop हो जाती हैं, तो दोनों groups के बीच में communication की जो chances हैं, वो कम हो जाते हैं. और communication के chances कम हो जाएंगे, तो ये एक organizational barrier का काम करता है. तो organization में कभी भी informal groups के बीच में जो conflicts हैं या फिर negative tendencies हैं, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए. Otherwise, they can create a serious hurdle. Then comes the inappropriate media. आप जो मीडिया चूज कर रहे हैं अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, वो भी काफी मायने रखता है. अगर आप एक लोअर लेवल के एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करना चाहते हैं और आप उसको लगातार मेल्स भेज रहे हैं,
हो सकता है कि वो व्यक्ति मेल्स ना पढ़ता हो या फिर वो व्यक्ति मेल्स पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो, तो उसको मैसेज कन्वे करने का तरीका हो सकता है कि आपको उसको कॉल करना चाहिए या फिर आपको उसको एक पेपर के थ्रू, नोटिस के थ्रू मैसेज देना चाहिए। तो ये काफ़ी हद तक आपके मीडिया पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने कम्युनिकेशन को कितना इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। While choosing the medium for a particular occasion, the advantages, disadvantages, the potential barriers to the communication must be considered. ये तीनों चीजें आपको consider करनी चाहिए मीडिया को चूज करते टाइम। Advantages के बारे में सोचिए, disadvantages के बारे में सोचिए और potential barriers के बारे में सोचिए कि क्या क्या barriers यहाँ पे आ सकते हैं। So, while deciding upon the medium, the following factors should be considered: time, cost, type of message and intended audience. इन चारों फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना चाहिए जब भी कभी आप इनअप्रोप्रिएट मीडिया से बचना चाहते हैं या फिर अप्रोप्रिएट मीडिया को आप फॉलो करना चाहते हैं। 5 इज द इंफॉर्मेशन ओवरलोड। डिक्रीज इन एफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द मैनुअल हैंडलिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को इतनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि वो उसको हैंडल ही ना कर पाए तो वो आपका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहलाता है। ठीक है, The usual results of information overload are fatigue, disinterest and boredom. यानी जब भी कभी आप सामने वाले व्यक्ति को फटीग देखें, थका हुआ देखें, डिसइंटरेस्टेड देखें या फिर उसको बोर होते हुए देखें, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है या फिर आपकी जो लाइक कंटेंट है वो ओवरलोड हो रहा है और सामने वाला व्यक्ति उसको बेयर नहीं कर पा रहा है। Due to the information overload, vital, relevant information get mixed up with too many irrelevant details. कभी कभी क्या होता है कि आप जब इतना ज्यादा लोगों को या किसी व्यक्ति को आप information से overload कर देते हैं तो relevance और irrelevant चीजों के बीच में difference ही खत्म हो जाता है और सब कुछ आपका irrelevant बन जाता है। So screening of information is mandatory. Information का screening बहुत mandatory है। जो important information है उसको अच्छे से deliver किया जाना चाहिए। जो थोड़ी सी लाइक नॉन इंपॉर्टेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन है आप उसको किसी भी तरीके से डिलीवर कर सकते हैं बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। मेजर पॉइंट शुड बी हाईलाइटेड लीविंग आउट ऑल इररिलेवेंट डिटेल्स। जितने भी आपके मेजर पोर्शंस हैं उनको आप हाईलाइट कीजिएगा, सारी इररिलेवेंट डिटेल्स को आप छोड़ सकते हैं, हाईलाइटेड पोर्शंस को आप मतलब जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। So when we come to the end, tips for the effective communication, अगर देखा जाए अगर आप एक effective communicator बनना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहिए आपको, constant practice and rigorous implementation of these ideas can help you become excellent communicator. Number one, always keep the receiver in mind. हमेशा अपने mind में receiver को रखिए। जब भी कभी आप communicate कर रहे हैं तो receiver आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। Create an open communication environment. अच्छा और ओपन एक कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पे सब लोग पार्टिसिपेट कर सकें, बोल सकें। अवॉइड हैविंग टू मेनी ट्रांसफर स्टेशंस बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए जिसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। डू नॉट कम्युनिकेट व्हेन यू आर इमोशनली डिस्टर्ब। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, इमोशनली थोड़े से लाइक चार्ज्ड अप हैं तो डू नॉट ट्राई टू कम्युनिकेट। Be aware of the diversity in the culture, language, etc. जब आप interpersonal communication कर रहे हैं और आप वहाँ पे cultural differences को पाते हैं तो please कोशिश कीजिएगा कि आप cultural differences को समझें, उनकी language में जो differences हैं उनको अच्छे तरीके से आप समझ पाएं। Use appropriate non-verbal cues. Don't use only the verbal language. Non-verbal language के बिना आपकी language complete होती है। So non-verbal cues को proper तरीके से utilize करना भी आपको आना चाहिए। Select the most suitable medium. Medium हमेशा बिल्कुल appropriate choose कीजिएगा and analyze the feedback. और जो भी feedback आपको सामने वाले व्यक्ति से मिल रहा है उसको analyze करने की कोशिश कीजिएगा, उसको find out करने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पे कमी रह गई है, तभी आप अपने आप को improve कर सकते हैं। So that's all for today, my dear students. This was the fourth part of the unit 1. यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें complete की हैं, especially barriers in communication के बारे में हमने यहाँ पे discussion किया है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आप लोग इसको समझ पाएंगे। अगर कोई भी आप लोगों की क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, कुछ भी चीज़ आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट पर्सनली यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट ऑन द व्हाट्सएप और द टेलीग्राम। दोनों के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड्स से भी बोलिएगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपना ये कंटेंट पहुँचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बेनिफिट कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, सी यू द नेक्स्ट टाइम।